आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश खबरों की। रायबरेली में अवध क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में होली के दिन फाग गाने की परंपरा है। होली के बाद 3-4 दिन तक चलने वाली फगवा गाती ये टोली ठेठ पारंपरिक अंदाज में हर गांव तक पहुंचती है। पारंपरिक वाघ के साथ ये टोली फाग गाती हुई रंगों से सराबोर होती है। खास बात यह है कि इस परंपरा को हर इलाके में एक ही परिवार आगे बढ़ाता है। रायबरेली नगर क्षेत्र के पास खोर गांव के शिवदास होली के दिन ये फगवा टोली लेकर निकलते हैं। ये आपके यहाँ ये फाग का प्रोग्राम हो रहा है, कितने वर्षों से हो रहा है? ये हमारे तो आपको लगता है जन्म से हो रहा है, जब से हम देख रहे हैं तब से जन्म से हो रहा कार्यक्रम। हाँ, क्या संदेश देना चाहते हैं देशवासियों को? आगे इसको आप बढ़ाना चाहते हैं या जो है इसको इसी जगह ख़त्म करना चाहते हैं? अब एक परंपरागत संस्कृति है हमारी लोगों की, और इसको जितना भी इसका विस्तार किया जाए उतना ही कम है। तो प्रयास यही रहता है कि इसका विस्तार हद से हद किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए। आज होली मिलन समारोह है। हाँ जी, होली में हम लोग सब कार्यक्रम कर रहे हैं। हाँ जी, तो आप क्या पूरे गांव में घूम घूम के कार्यक्रम करते हैं? जी, पूरे गांव में चार पाँच दिन करेंगे कार्यक्रम। सबसे मिलना जुलना, सबके पास जाना। हाँ, सबसे मिलना जुलना। आप ये कितने वर्षों से कर रहे हैं? जी हो गया लमसम 3 पीढ़ी हो गया। महोबा के चरखारी में बीजेपी की जीत से होली के जश्न में खासी रौनक बढ़ गई है। मिनी वृंदावन के नाम से मशहूर चरखारी में ब्रज की होली मनाई गई और धूमधाम के साथ चरखारी विधायक के नेतृत्व में जुलूस निकाला गया। श्री कृष्ण मंदिर के कारण मिनी वृंदावन के नाम से प्रसिद्ध चरखारी में होली के पावन पर्व पर जमकर भीड़ उमड़ी। साथ ही उत्साह ने साबित कर दिया कि चरखारी की होली भी वृंदावन की तरह शानदार होती है। विधानसभा चुनाव में भाजपा की ऐतिहासिक जीत और चरखारी विधायक ब्रजभूषण राजपूत की दोबारा शानदार जीत ने कार्यकर्ताओं की खुशी में चार गुनी बढ़ा दी और चार चांद लगा दिया है। भारतीय जनता पार्टी की जीत ये जनता जनादान की जीत है, उन गरीबों की जीत है जिनको आवास मिले हैं। उनकी जीत का ये जश्न दुगना हो गया। जनता जश्न मना रही है, यहाँ प्रत्याशी या पार्टी के कार्यकर्ता ही नहीं, जनता जश्न मना रही है। क्योंकि जिन गरीबों को कभी आवास नहीं मिलते थे उन गरीबों को आवास मिले हैं, शौचालय मिले हैं। जिन माता बहनों ने कभी सपने में नहीं सोचा था कि हम गैस चूल्हा खरीदेंगे, सिलेंडर खरीदेंगे, उनको गैस चूल्हा सिलेंडर मिला है। और जो भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में विधवा वृद्धा पेंशन बढ़ाने का था, उसको लेकर भी लोगों में बड़ा उत्साह है। जो किसान सम्मान निधि लोगों को मिलती थी उससे किसानों को ताकत। बरेली से है जहां होली के त्योहार के दिन जहां सब लोग खुशी से त्योहार मना रहे थे, तो वहीं एक परिवार की खुशियां मातम में बदल गई। बता दें कि अज्ञात कारणों से नैया नाले में एक युवक डूब गया। आनन फानन में पुलिस को सूचना दी गई, भारी पुलिस बल भी मौके पर पहुंच गया। घटना की जानकारी होने पर परिजनों में कोहराम मच गया। नैया नाले में डूबे युवक की तलाश में गोताखोरों की टीम लगा दी गई, लेकिन अभी सफलता नहीं मिल पाई है। बता दें कि महाराजगंज कोतवाली क्षेत्र के अत्रेहटा गांव के पास नैया नाले का ये मामला बताया जा रहा है। खबर अमेठी से है जहां पर कानून व्यवस्था पूरी तरह से फेल हो चुकी है। पूर्व प्रधान समेत 4 लोगों की हत्या की आग अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि अब जामू थाना क्षेत्र में खून की होली खेली गई। रंग लगाने को लेकर विवाद में 2 लोगों की पीट पीट कर हत्या कर दी गई, जबकि इस विवाद के दौरान 7 लोग जख्मी हुए और ये घटना जामू थाना क्षेत्र के बाबूपुर रेवड़ा की बताई जा रही है। मौके पर आप हैं और आप देख रहे हैं कि होली के रंग को लगाने को लेकर विवाद हुआ है, और ये 2 लोग जो हैं जो बाबूपुर वहाँ के आपके बाबूपुरवा में रंग खेल रहे थे लोग सड़क के किनारे, तो ये इस गांव के जो आपका रेवड़ीपुर वहाँ से आ रहे थे 2 लोग, रास्ते में उनको रंग लगा लिया, कहा सुनी हुई, उसके बाद ये घटना हुई है। 2 आदमी की मृत्यु की सूचना।
खबर सीतापुर से है, जहां पर सीतापुर के अटरिया क्षेत्र के अंतर्गत नील गांव मोड़ के पास हाईवे पर एक अज्ञात वाहन की टक्कर से एक बाइक पर सवार चार लोग घायल हो गए, जिसके बाद घायलों को सिधौली सीएससी में भर्ती कराया गया। डॉक्टर ने घायल युवक को जिला अस्पताल रेफर कर दिया है। भारत में होली का त्यौहार बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। ऐसे में समाज के वो लोग जो किसी ना किसी कारण से जेल में बंद हैं और अपने परिवार के बीच होली का त्यौहार नहीं मना पा रहे हैं, उनके लिए अंबेडकर नगर जेल प्रशासन ने एक अनोखी पहल करते हुए जेल अधीक्षिका हर्षिता मिश्रा द्वारा होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कैदियों ने ढोल की थाप पर नाच कर और एक दूसरे को रंग लगाकर त्यौहार मनाया। खबर रायबरेली से है, जहां मजिस्ट्रेट की गाड़ी ने होली के दिन डांस कर रहे युवक को टक्कर मार दी, जहां टक्कर लगने से एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक का नाम अरुण गुप्ता बताया जा रहा है। वहीं हादसे के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने गाड़ी चला रहे ड्राइवर को गाड़ी सहित रोक लिया। वहीं ग्रामीण से काफी कहासुनी होने के बाद घायल को उसी गाड़ी से अस्पताल भिजवाया गया। बता दें कि घटना डी थाना क्षेत्र के अंतर्गत परशेदपुर चौराहे की है। एटा में जनपद मुख्यालय पर स्थित जिला कारागार में निरुद्ध बंदियों के परिजनों ने हंगामा कर दिया और जेल के सामने ही रोड पर बैठकर जाम लगा दिया। कारागार में निरुद्ध बंदियों के परिजनों का आरोप है कि उन्हें होली के त्योहार पर भी मिलने नहीं दिया जा रहा है। तो वहीं महिला ने आरोप लगाया कि हम दिवाली के त्योहार पर मिलकर गए थे, तभी हमें रोका गया था और 200 रुपए देने पर हमें हमारा सामान भेजा गया था। दीपावली मिलाई भाई थी, दीपावली से सामान देने आए तो 200 रुपया ले, तब सामान भीतर अंदर पहुंचाया, वो आज भी अब मिलाई नहीं होने दे रहे, आज मिलान नहीं होने दे रहे। तो सामान जब पहुंचाएंगे पैसा लेके तब पहुंचाएंगे जो सामान। कितने रुपए लिए जाते हैं? कितने रुपए? 200 रुपए। हाँ, नहीं मिलने दिया जा रहा है, जिसके बाद परिवार जनों में काफी आक्रोश है और कई महिलाएं तो ये भी आरोप लगाती हुई नजर आ रही हैं कि दिवाली में जब वो अपने परिजन से मिलने आई थी तो तब भी उन्हें मिलने नहीं दिया गया था, 200 रुपए देने के बाद उन्हें अंदर जाने की इजाजत मिली थी, तो वहीं उनको पैसे देने के बाद ही 200 रुपए देने के बाद ही उनका सामान अंदर भेजा गया था, मिलने की परमिशन नहीं दी गई थी। तो ये आरोप लगाती नजर आ रही है महिलाएं और काफी आक्रोशित भी नजर आ रही हैं। और त्योहार के दिन जब परिजनों से मिलने नहीं दिया गया तो परिजन बंदियों के परिजनों ने जेल के बाहर ही बैठकर जाम लगा दिया। निरुद्ध बंदियों के परिजनों ने आरोप लगाया है, जाम लगाकर परिजनों ने हंगामा किया, मिलने ना देने की वजह से काफी आक्रोशित नजर आए। और इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता दीपक जुड़ चुके हैं एटा से। दीपक, क्या है पूरा मामला? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से लगातार होली के बाद आज सुबह से ही जो कारागार में बंदी निरुद्ध हैं उनके परिजन मिलने आ रहे थे, उनको मिलने नहीं दिया गया है। बताया गया है कोविड गाइडलाइंस और शासन से जो गाइडलाइंस है उसके अनुसार अभी नहीं मिल सकते हैं, लेकिन उसके बाद जो परिजन थे उनमें आक्रोश व्याप्त हो गया, उन्होंने जाम लगा दिया और रोड के मतलब जेल के सामने ही रोड पर बैठ गए। जी, तो क्या प्रदर्शन के बाद उन्हें मिलने की परमिशन दी गई है दीपक? जी, अभी परमिशन नहीं दी गई है। जो आला अधिकारी हैं और जेल प्रशासन के अलावा पुलिस प्रशासन के अधिकारी हैं वहाँ पहुँचे हैं और परिजनों से बातचीत लगातार जारी है। आपको बता दूं वहाँ कुछ लोगों का आरोप यह भी है कि पिछले जब भी त्योहारों पर वो लोग आते हैं उनसे कुछ न कुछ लिया जाता है, मायने की कभी 200 रुपए कभी 300 रुपए और उनको तब मिलने दिया जाता है, लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। जी, तो अधिकारियों का क्या कहना है, वो मिलने क्यों नहीं दे रहे हैं? त्योहार का मौका है तो उस पे तो नहीं रोका जाना चाहिए? अधिकारियों का कहना ये है कि शासन से जो गाइडलाइंस मिली है उसके अनुसार अभी मिलने नहीं दिया जा सकता है। और वहीं जो जेल अधीक्षक हैं अमित चौधरी, उनका भी यही कहना है कि जैसे ही हमें शासन से कोई गाइडलाइंस मिलती है हम आपको मिला जरूर मिलवाएंगे, लेकिन फिलहाल अभी मिलने के लिए कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया जा रहा है। जो बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ एटा से संवाददाता दीपक जुड़े थे।
खनन माफियाओं के खिलाफ लगातार योगी सरकार सख्त नजर आती है, लेकिन प्रशासन सरकार की मुहिम में रोड़ा बन रही है। जहां पुलिस ने साठ गाड कर खनन माफियाओं को सफलतापूर्वक बेखौफ ढंग से अवैध खनन को अंजाम देते हैं, तो वहीं दरअसल ताजा मामला रायबरेली जिले के सलोन तहसील क्षेत्र स्थित डीह थाने का है, जहां परसदेपुर चौकी से चंद कदम दूरी पर देर रात तक अवैध खनन होता रहा, लेकिन स्थानीय चौकी पुलिस खनन माफियाओं के कृत्यों का तमाशा देखती रही, जो कि क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।